बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ मी इरफान अब्बासी और मेरे साथ डॉक्टर असद खलीक बैठे हुए हैं जी। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे स्टूडेंट जब भी कहीं पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो वहाँ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कहते रहते हैं अक्सर प्रोफेसर के आप हमें CV सेंड करें, सारे रिकमेंडेशन लेटर सेंड करें या SOP सेंड करें, मोटिवेशन लेटर, और एक बार लिखा होता है कवर लेटर। और ये जो कवर लेटर होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि इसके अंदर किस चीज को शामिल किया जाए और कैसे लिखा जाए, उसके बारे में आज हम आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको असद अली साहब से मैं पूछता हूँ कि कवर लेटर क्या होता है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, कवर लेटर एक ऐसा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंट, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट और फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपकी कोलैबोरेशन क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उस ग्रुप को उस जगह पे आप क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, वो छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं 450 to 500 वर्ड्स के विद इन वर्ड्स के अंदर रहते हुए। तो आप जो एक वो समराइज अपनी सारी क्वालिफिकेशन, अपनी सारी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, उसको हम लोग कवर लेटर की शक्ल में या कवर लेटर कहते हैं। अगर ब्रॉडली उसका कोई डिवाइड करी जाए तो उसके कितने पार्ट होते हैं? एक्चुअली मैं आज अगर स्टूडेंट्स को ये गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब हमारे जैसे सारे बहन भाई जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल उस कवर लेटर को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, या मैं समझता हूँ कि कवर लेटर एक कैसा होना चाहिए, उसको ना मैंने तकरीबन 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर वो इन पार्ट्स को लिखते जाएं और साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, बिलीव मी मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग एक बेहतरीन किस्म का सोफिस्टिकेटेड, और यानी आप ये चीज समझ सकते हैं कि वो एक कवर लेटर आपके पास बन के रेडी हो चुका होगा। और ये कवर लेटर जो है ये ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर करेगा और आप सारी डिटेल उसके अंदर कर सकते हैं एक पेज के अंदर रहते हुए। वो कैसे करना है यही कंफ्यूजन है, और उसको दूर करने के लिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ की कवर लेटर की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कवर लेटर को स्टार्ट कहां से करना है? कवर लेटर का मैंने जैसे बताया 7 पार्ट्स मैंने किया है, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है जो आप लोगों ने लिखना है, ये एकेडमिक के लिए बता रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी वगैरह में करते हैं तो कंपनी वगैरह जो है वहां पे भी आप यही चीज को नोटिस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है वो है प्रोफेसर की डिटेल्स। आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट टॉप जो है किसी भी पेज की है उसके ऊपर आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है। प्रोफेसर का नेम लिखने के बाद आपने उसका डिपार्टमेंट लिखना है, डिपार्टमेंट के अंदर आपने उसका यूनिवर्सिटी लिखनी है, यूनिवर्सिटी के बाद उसकी थर्ड लाइन के ऊपर आ जाना है ईमेल आपने लिखनी। अच्छा, यहाँ यानी ये 3 लाइन्स आपकी हो गई। उसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप लोगों के पास है कि आप लोग उसके नीचे जो है ना वो डायरेक्टली आप डेट लिखें, डेट आगे आप लोग जो है ना जो भी डेट है वो आप लोग ऐड कर दें, या इसका एक और तरीका या कार ये है कि जहां पे प्रोफेसर का नेम लिखा है उसके बिल्कुल आप राइट टॉप पे पेज के वहां पे डेट मेंशन कर दें। यानी ये 3 लाइंस के अंदर आपका ये प्रोफेसर की डिटेल कंप्लीट हो गई। अच्छा, 3 लाइंस आपकी कवर हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि सम टाइम प्रोफेसर का नाम मेंशन नहीं किया होता, ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई पोजीशन आ रही होती है। हाँ, डायरेक्टली फिर आपने क्या करना है, आपने डिपार्टमेंट का लिखना है, डिपार्टमेंट का लिख के उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें और ईमेल लिख दें। और डेफिनेटली ये बात ऐसे ही होती है, जब कवर लेटर कोई डिमांड करता है ना तो ये मस्ट होता है कि वहां पे वो प्रोफेसर की ही तरफ से आपने ईमेल जिसको भेजनी है, अगर किसी को कवर लेटर साथ में देना है तो वो वहां पे डिपेंड करता है, यानी आपने को नहीं वहां पे जरूर मेंशन करना होता है कि ये प्रोफेसर है जिसके साथ में काम करना चाह रहा हूँ, ये पोजीशन लिखा होता है, मेंशन करते हैं वो डियर असद। तो आप भी उसी तरीके से उसको देखने की कोशिश करें कि डियर प्रोफेसर का आप नेम लिख लें या आप लिख दें डियर प्रोफेसर। तो जब आप किसी को नेम के साथ कॉल करते हैं तो आई थिंक सो वो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो एक बेटर फील करता है, तो इसलिए नेम आप लिख लें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें तक 4 to 5 लाइन को कवर कर लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन क्या आ जाता है? जी, अब आ जाते हैं लिखने की तरफ आ जाते हैं। okay. कि पहला हमारे पास, पहली बात ये है कि मैंने ये तो बता दी कि पहली हमने लिख लिया कि प्रोफेसर की डिटेल लिख दी। ओके, दूसरे के बाद हमने सैल्यूटेशन लिख दिया, डियर प्रोफेसर लिख दिया। ये सारी जो चीजें हैं, ये 2 पार्ट्स हैं, ये आपकी मैक्सिमम 5 लाइंस के अंदर कंप्लीट होंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपनी अपना नाम और वो चीजें नहीं वहां पे नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ। थर्ड नंबर पे आपने आ जाना है, आपने लिखना है कि रीजन फॉर राइटिंग, आप इसको क्यों लिख रहे, किस लिए लिख रहे। पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ के अंदर आपने ये लिख दिया है कि रीजन फॉर राइटिंग,
उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको मैक्सिमम 3 to 4 lines, अच्छा मैक्सिमम 3 to 4 lines के अंदर आपने क्या चीज बताने की कोशिश करनी है कि आपने लिखना है कि मैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन PhD और जो भी या मास्टर जो भी है, और आपने बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है जी, इन दैट पोजीशन, फिर आपने बताना है कि ये जो मेरी रिसर्च है या मेरी जो रिसर्च है ये आपके इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अलाइन करती है, ये यानी इतनी जो लाइन्स है ना, ये इतने वर्ड्स जो हैं ये आपने लिख दिया यानी 3 to 4 lines के अंदर, यानी 3 to 4 sentences टोटल बनते हैं जी, इतने इसके अंदर बता देना है, यानी फिर अगेन बताता हूँ, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई PhD या दिस पोजिशन, उसके अंदर आपने क्या बताना है कि ये पोजिशन या नेम बता देना प्रोजेक्ट का, दूसरी चीज बतानी है कि मेरी जो रिसर्च है, जो मेरा बैकग्राउंड है रिसर्च का, वो आपके इम्पैक्टफुल या एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अलाइन करता है, जिसकी वजह से ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, ये 3 to 4 lines पहली बात कम्प्लीट होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप लोगों ने अपना वो आपके इम्पैक्टफुल या एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अलाइन करता है, जिसकी वजह से ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, ये 3 to 4 lines पहली बात कम्प्लीट होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप लोगों ने अपना रिसेंटली एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने लिख रहे हैं, ये सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आ जाना आपने, उसके अंदर आपने बताना है रिसेंटली एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर बताना है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है कि आपने बताना है कि मेरा मास्टर या मेरी जो BS है, जो बैचलर है, वो मैंने यहाँ से किया है, यहाँ से किया क्या है कि यानी मेरा जो बैचलर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मेरे टाइटल थीसिस के रिलेटेड, यानी आपने बताना है कि थीसिस का टाइटल ये है, उस थीसिस के अंदर मैंने 1 to 2 lines के अंदर ये बताएं मैंने ये काम किया था, उसके बाद आप जो ये चीज़ बताने की कोशिश करें कि मैंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग क्या ली, मेरे पास टेक्निक्स कौन कौन सी मैंने सीखी हैं, ठीक है, और मैंने वो जो रिसर्च आपने की है उससे आपने कौन कौन सी एक्सपर्टीज आपके अंदर है, मैंने स्किल्स कौन सी हैं, उनको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने, यानी आप उनके अंदर लिखने सारी चीजें लिखने के बाद आप अगर कोई करंटली आप कोई वर्किंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसका नाम लिख दें कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और उसका नेम ऐड करने के बाद जो है ना ये आपका पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, और ये मैक्सिमम 8 to 10 lines के अंदर। और ये करंटली लिखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टडी गैप भी होता है, या उसके अलावा ये होता है कि जैसे MPhil कंप्लीट किया उसके अलावा कुछ जॉब शॉप कर रहे होते हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो वो उसको भी था कि थोड़ा सा टच दे दे कि हाँ हमने इसके दौरान ये एक्सपीरियंस किया। और जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर अगर आप जाएं तो उसके अंदर आपने लिखना है कि एम ऑफ योर प्रोजेक्ट, यानी एम ऑफ योर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का एम क्या है, यानी आपने बताना है कि ये प्रोजेक्ट आया था उस प्रोजेक्ट के अंदर उनने ये एक्सपर्टीज डिमांड की हैं, तो ये वो करना चाह रहे हैं, आपने बताना है कि यानी द एम ऑफ योर प्रोजेक्ट दिस, और उसके अंदर आपने फिर बताना है कि माय प्राइमरी गोल, ओके मैं इसमें ये मैं आगे फर्दर एडिशन करना, मैं यानी क्या करूंगा, मैं सेंसिस करूंगा, ये मटेरियल्स प्रिपेयर करूंगा, या ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये चीज करूंगा, मैं फिर उसके अंदर आप ये बताना शुरू कर दें कि मैं अपनी चीजें ये बनाने के बाद जो आपके गिवन प्रोजेक्ट के अंदर जो जी चीजें दी होंगी उनके साथ अटैच करके या इनकॉर्पोरेट करके मैं जो है क्या करूंगा, ये मैं चीज आपको बना के दूंगा, यानी उनके प्रोजेक्ट को बेसिकली एक्सप्लेन करने का मतलब 1 or 2 sentences में ये है कि लिंक जनरेट किया जा सकता है, मेरी रिसर्च जो है आपके इस प्रोजेक्ट में ये चीजें चाहिए उससे रिलेटेड है, और फर्दर आप जा रहे हैं कि भाई उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी। Exactly. ये चीजें जब आपने बता दी, फिर आपके पास ये जो पैराग्राफ था, जो थर्ड पैराग्राफ है, यानी एम ऑफ योर प्रोजेक्ट बता दिया, और दूसरा आपने ये उसके अंदर बताया कि हाउ कैन आई टैकल योर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, या मैं कैसे इसको प्रिपेयर करने की, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेंटेंस है, अक्सर स्टूडेंट को ना सेंटेंस की जो कनेक्शंस होती है ना उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, लाइक आई वांट टू डू सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस है वो बता दें, यानी अगर आप इस तरह करने की कोशिश करें कि इस पैराग्राफ को आप स्टार्ट इस तरह करने की, ये करने की कोशिश करें कि द एम ऑफ योर प्रोजेक्ट ओके दिस, उसके बाद यू उसको ब्रैकेट में करके उसका उसकी 2 lines हो जाएंगी या 2.5 lines हो जाएंगी, वो कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आप ये बताने की कोशिश करें माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज, आप उसके अंदर लिखें कि आई विल सिंथेसाइज दिस मटेरियल्स, उसके बाद आप बताएं कि मैं मटेरियल्स को जब सिंथेसाइज कर लूंगा फिर उसके बाद क्या करूंगा जी, मैं आपकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है उसके अंदर वो सैम्पलिंग करूंगा, उसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट करूंगा, और ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिखेंगे, तो वो जो है ना वो आपकी 7 to 8
यानी 7 to 8, यानी 6 to 8 lines के अंदर ये आपने कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया होगा उसके पेपर जो लिंक्स होंगे हाँ। वो आपकी वेबसाइट को पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उस रिसर्च गैप को थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई हाँ, करेंगे तो तब आपको चीज उसके क्योंकि अंदर सकते क्योंकि ये जो मतलब छोटा सा विदाउट मेहनत नहीं होगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के यानी एक छोटा सा एक लेटर है, इसके अंदर आपने अपना सारा बताना है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड, मेरा फ्यूचर किस तरह ये इसके आपकी इस पोजीशन के साथ जो है ना एनहांस करेगा या किस तरह लेके चलेगा। थर्ड आगे आ जाए फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आपने ये बताना है कि व्हाई दिस ग्रुप या व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर आपने जनरेट करने की कोशिश करनी है कि क्यों आप इस ग्रुप को चूज करें। इसलिए कि जी भाई ये जो ग्रुप है इसका इंडस्ट्रियल जो है ना इंडस्ट्री के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा है, अपने बच्चों को जो है ना ये इंडस्ट्री के अंदर भेजती हैं, या दूसरे कंट्रीज के साथ इनकी कोलेबोरेशन काफी ज्यादा है, या फिर आप वर्ल्ड वाइड टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जब उनके साथ हम काम करेंगे exactly. तो हमारी इस स्किल को ग्लोरीफाई हो हाँ, जाएगी। और उसके अंदर आपने ये बताना है कि ये ग्रुप को ज्वाइन किया तो मेरा जो है ना रिसर्च गोल क्या बन रहा है, कि ये आफ्टर दिस आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप या आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट उसके बाद आप कहाँ पे पहुंचेंगे, वो थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करें। और वो मैक्सिमम आपने 3 to 4 lines के अंदर ये बताने की कोशिश करें, ऐसे वर्ड्स सूटेबल वर्ड्स यूज करें ताकि आपका वो 3 to 4 lines के अंदर कंप्लीट हो। मेन इस पैराग्राफ में आपने वो जो यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट कर रहे हैं या रिसर्च ग्रुप कर रहे हैं उसको इस तरह से लिंक क्रिएट करना है कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं हाँ। उसके साथ उसको मैं हेल्पफुल हो कि फ्यूचर गोल आपको exactly, अचीव करना exactly. ताकि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन का उसके अंदर एक एलिमेंट पाया। जी जी ओके okay. उसके बाद आ जाता है लास्ट पैराग्राफ है कि कॉल ऑफ अट्रैक्शन या समझ लें कॉल ऑफ एक्शन है। okay. ये कॉल ऑफ एक्शन इस तरह ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, नहीं ग्रेटिट्यूड भी यहाँ कह सकते हैं, यहाँ इस तरह जी ये चीज आपने बतानी है कि मैंने इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन। और आपने बताना है कि माय जो बैकग्राउंड है माय बैकग्राउंड ऑफ दिस रिसर्च, और लिखने के बाद आपने बताना है कि उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ ये मैं एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। और आपने साथ में ये जरूर मेंशन करना है कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर डिटेल और ये चीजों के लिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी अगर मैं अगेन बताने की दोबारा एक सारी समराइज करने की कोशिश करूँ, पहला आपने प्रोफेसर की डिटेल बतानी है। दूसरा आपने क्या बताना है, सैल्यूटेशंस यानी प्रोफेसर को आपने ग्रीटिंग जी। फोर्थ पे आ जाएं कि आपका पहला पैराग्राफ क्या होगा, रीजन फॉर राइटिंग। तीसरा पैराग्राफ होगा कि ग्रैब दिस देयर अटेंशन या रिसेंटली जो आपने अपना प्रोजेक्ट किया हुआ वो सारा आपने बताना। फिर एम ऑफ द प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद उसके अंदर आपने क्या करना है, किस तरह प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा कि व्हाई दिस ग्रुप, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद हाउ इट हेल्पफुल फॉर माय फ्यूचर जी। और लास्ट पैराग्राफ है कि यानी फॉर एग्जांपल मैंने कॉल टू एक्शन जो है वो उसके अंदर बताना है कि मेरी आपकी कंसिडरेशन, आपने मेरी एप्लीकेशन को किया, फिर उसके बाद जो है मेरा रिसर्च बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था जिसकी वजह से मैं आपका एक वैल्यूएबल एसेट बनना चाहता हूँ, मेंबर जो है ना रिसर्च मेंबर बनना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। और फिर लास्ट पे आपके पास आ जाता है साइन ऑफ। साइन ऑफ मीन आपने सिंसियरली करना, उनको करने के बाद आपने अपना नाम लिख देना। नेम के अंदर आप लोगों को मजीद अपनी ऐड करने की कोई डिटेल जरूरत नहीं है, जस्ट नेम आप लिखेंगे और आपका ये। क्या इसको कोई स्पेसिफिक कोई फॉन्ट साइज होता है या जी, इसके लिए आपने करने की कोशिश करनी है कि फॉन्ट साइज आपने 11 रखना है। नो स्पेसिंग पैराग्राफ के अंदर से भी आपने जो है ना स्पेसिंग को रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद जो है ना स्टाइल जो है वो आप लोग टाइम न्यू रोमन जो है ना वो उसको आप यूज कर लें। तो ये सारा जो आपके पास लेटर है ये इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मैं आपको मैक्सिमम ये बता सकता हूँ कि आप लोग ये 450 to 500 के वर्ड्स के अंदर बन जाएगा और वन पेज के अंदर होगा। आप इनको फॉलो करके देखें और उसके बाद अगर आप लोगों को रिव्यू करवाना हो सो आप लोग इसको भेज सकते हैं हमें और हम लोग आपको रिव्यू करके भी दे सकते हैं। ओके अशोक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर। और बाकी अब आप लोग काम करें इसके ऊपर और इस वीडियो को फायदा उठाएं, और ये जो आपकी प्रॉब्लम है आई होप सो कि इसमें आपकी सॉल्व हो जाएगी। फर्दर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।